गुड मॉर्निंग क्लास एक्कीन. नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 3.4 इन नोटबुक. अभी हमने बुक के अंदर 3.4 एक्सरसाइज की थी ये वाली, अब है नोटबुक के अंदर. नोटबुक के अंदर कैसे करनी है, हेडिंग लगा दोगे, फिर क्वेश्चन लिख दोगे, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग. फिर इस तरीके से आपको ए वंस एंड टेंस लिख के फिर एक सर्कल बनाना है. उसके बाद में आपको नंबर लिखना है 72 एंड 58. फिर इधर बी वंस टेंस बना के सर्कल बना के 94 + 7, ठीक है. इस तरीके से आपको बना के लिखना है. तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज करना. जैसे यहाँ पे है 2 और यहाँ है 8, वही सेम फॉर्मेट. सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे वाला जो भी नंबर है वो फिंगर पे शो करेंगे. फिंगर पे हमने 8 को शो किया. आफ्टर 2 काउंट करना है, तो आफ्टर 2 क्या आता है, 3. तो 3 से स्टार्ट करते हैं. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब देखो बेटा 10 है, ये देखो ये ऐसे 10 होता है. तो जो राइट वाला है वो आता है नीचे और जो लेफ्ट वाला है वो इस सर्कल के अंदर चला जाएगा, ठीक है. फिर क्या करेंगे, 7, 5 + 1. तो 7 के बाद में क्या है नंबर, 5 है. तो पहले 5 को फिंगर पे शो किया मैंने, और आफ्टर 7 काउंट करो. आफ्टर 7 8, 9, 10, 11, 12 होता है. 12 + 1, 13. ओके, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट. अब आता है नेक्स्ट 94 + 7. 4 के बाद 7 है, शो योर फिंगर. 7 फिंगर शो करनी है. फिर क्या करना है, आफ्टर 4 काउंट करना है. आफ्टर 4, तो आफ्टर 4 देखो 5, 6, फिर 7, 8, 9, 10, 11. ये देखो ये 11 है, राइट वाला नीचे लेफ्ट वाला ऊपर. ओके, 9 + 1, 10. ओके, नाउ नेक्स्ट ये भी वैसे ही करना है, सेम प्रोसेस है इसका भी. 2 + 9. तो क्या करेंगे, 9 को फिंगर पे किया मैंने, ठीक है. अब 2 के बाद काउंट करो, 3, 4, 5, 6, फिर 7, 8, 9, 10, 11. इसमें भी 11 का 1 नीचे आ जाएगा राइट वाला, और लेफ्ट वाला ऊपर चला जाएगा. अब क्या है, 3, 4 और 1 को भी काउंट करना है, भूलना मत इसको काउंट करना. तो 4 फिंगर मैंने शो की, आफ्टर 3 काउंट करो, 4, 5, 6, 7. 7 हो गया, 7 + 1, 8. फिर आता है नेक्स्ट 2 + 9. अभी देखो 9 + 2 कितना हुआ, 11. इसका मतलब 9 + 2 कितना होगा, अच्छा ये सेम ही आ गया, ये वाला मैंने सेम ही लिख दिया. ये देखो 3 और 4, तो यानी कि ये सेम ही है. ओके, ये वाला करते हैं, एक्सरसाइज ई करते हैं. इस पे देखो 9 + 6, तो 9 के बाद में 6 है, तो 6 फिंगर शो करनी है. ओके, आफ्टर 9 काउंट करो, 10, 11, 12, 13, 14, 15. अब देखो 15 ऐसे होता है, 15 का ये वाला 5, राइट वाला नीचे और लेफ्ट वाला नंबर ऊपर, ठीक है. अब आफ्टर 3 काउंट करो, आफ्टर 3, 3 के बाद वाला नंबर स्टार्ट करो, 4, 5, 6, 6 + 1, 7. ओके, अब ये पीछे वाला आपको सेल्फ करना है, ये लास्ट में करके बता रही हूँ. 8 + 5, तो 5 को फिंगर पे शो करना है. आफ्टर 8 काउंट करो, 9, 10, 11, 12, 13. 13 राइट वाला नंबर नीचे, लेफ्ट वाला नंबर ऊपर. अब 2, 2 और 1 को काउंट करना है. तो 2 फिंगर की मैंने, आफ्टर 2 रीड करो, काउंट करो, 3, 4. 4 + 1, 5. ओके, तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज नंबर 3.4 का एडिशन. अब आपको ये आपका सेल्फ करना है, ठीक है. ये वाले जो नंबर है ये है सेल्फ, HW आपका, ठीक है. तो इसको आप सेल्फ करोगे. अब आ जाती है हमारी एक्सरसाइज 3.5, ठीक है. हाउ टू डू दिस, कैसे करेंगे, देखो इसमें भी 3.5 ये रही, ठीक है. सेम नंबर है, या तो मैं इसमें करके बता दूँ या इसमें. अगर मैं इसमें करके बताऊँगी तो आपको ये वाले सेल्फ करने पड़ेंगे, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. इसमें देखो, इसमें 2 की डिजिट थी, अब इसमें 3 की डिजिट में है, मतलब कि 1, 2, 3.
थ्री लाइन में ड्रॉ किए हुए नंबर, देखो 30, 25 और 43। अब इनको काउंट करके लिखना है, ठीक है। कैसे करेंगे, इसमें तो ज़ीरो है तो इसको काउंट करना नहीं है। फिर आ जाता है 5 और 3, तो 3 को हमने फिंगर पे शो किया, 5 के बाद काउंट करो, 5 के बाद 6, 7, 8, तो यहाँ आ गया 8। अब देखो यहाँ पे कैरी नहीं लगेगा, क्योंकि 10 अगर 9 से ज़्यादा नंबर होता तो कैरी लगता, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे कोई कैरी नहीं। अब 3, 2 और 4 को कैसे काउंट करेंगे, पहले तो देखो 3 के बाद क्या है, 2, तो 2 फिंगर पे शो की, आफ्टर 3, 4, 5, 5 हो गए। अब 5 को हमें याद रखना है कि हमारे पास ये 3 और 2 5 हो गए। अब 4 को मैंने फिंगर पे रखा और आफ्टर 5 काउंट किया, 6, 7, 8, 9, ओके। नाउ नेक्स्ट 6, 9 और 5 को काउंट करना है, तो 9 है, 6 के बाद क्या है, 9, तो 9 को मैंने फिंगर पे शो किया। अब क्या करना है, 6 के बाद से स्टार्ट करना है, 6 के बाद 7, 8, 9, 10, फिर 11, 12, 13, 14, 15, तो यहाँ तक हमारा हो गया 15। 15 के बाद देखो 5 और है, तो 5 और काउंट करने हैं, आफ्टर 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब देखो 20 का राइट वाला नंबर नीचे और लेफ्ट वाला नंबर ऊपर, ओके। अब काउंट करते हैं 2, 5, 2, 0 को, तो पहले क्या करना है, 5 और 2 को काउंट करना है, तो 2 मैंने शो की, आफ्टर 5, 6, 7, 7, नीचे 0 है तो 0 को काउंट नहीं करना है, 7 के बाद क्या है, 2 कैरी जो है उसको काउंट करेंगे, ठीक है। तो आफ्टर 7, 8 और 9, तो ये हो गया हमारा 90। नेक्स्ट आता है हमारा, इसमें भी वही है, 8, 4 और 5 को कैसे काउंट करेंगे, सबसे पहले 4 को फिंगर पे शो किया, आफ्टर 8, 9, 10, 11, 12 हो गया। अब 5 को करना है, 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, तो 17 का 7 नीचे और 1 कैरी ऊपर, फिर 2 के बाद 1 है, 1 को शो किया, 2 के बाद 1, 3, और फिर 2 किया तो 3 के बाद 4 और 5, 5 हो गया, 5 प्लस 1, 7, ओके। नेक्स्ट आ जाता है 7, 7, 7, तो 7 फिंगर शो की मैंने, आफ्टर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 प्लस 7, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, तो 21 का राइट वाला नंबर नीचे और लेफ्ट वाला नंबर ऊपर, फिर 2, 1, 3, 3 प्लस 2, देखो 2 के बाद में 1 है तो 2, 1, 3, अब 3 के बाद में 2 है तो 2 फिंगर, 3 के बाद में 4, 5 प्लस 2, 5 प्लस 2, 7, ओके। नाउ नेक्स्ट 2, 3 और 7 वैसे ही करना है, 2 के बाद में 3 फिंगर शो की मैंने, फिर क्या किया, 2 के बाद 3, 4, 5, फिर 7 का काउंट करना है, 5 के बाद में 7 काउंट करना है, तो 7 फिंगर की मैंने, 5 हो गया, 7 के बाद 7 काउंट करनी है, 5 के बाद में 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 का 2 और 1 कैरी, फिर 4 प्लस 1, 5, 6, फिर 3, 4 प्लस 1, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। बाकी का ये जो भी वर्क है आपको होमवर्क में करना है। थैंक यू।